मानक और गुलेरी एक प्यार से सराबोर युगल जोड़ा, मगर नियति ने उनकी किस्मत में कुछ और ही लिख रखा था। क्या मानक किस्मत के लिखे को स्वीकार कर पाएगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग सुनते हैं। माँ, घर पहुंचकर मानक इस तरह खाट पर गिर पड़ा जैसे वो बड़ी मुश्किल से खाट तक पहुंच पाया हो। बड़ी देर लगाई, मैं तो सोच रही थी शायद तो उसको आखिर तक छोड़ने चला गया है, माँ ने कहा। नहीं माँ, आखिर तक नहीं गया, रास्ते के बीच ही छोड़ आया हूँ, मानक का गला रुंध गया। औरतों की तरह क्यों रोता है, मर्द बन, माँ ने रोष से कहा। मानक के मन में आया कि वो माँ से कहे, पर तू तो औरत है, एक बार औरतों की तरह रोती क्यों नहीं। मानक को गुलेरी की एक बात याद हो आई। हम नीले फूलों वाले वन में से गुजर रहे हैं जहां पर सभी के कान बहरे हो जाते हैं। मानक को ऐसा महसूस हुआ कि आज किसी को बात सुनाई नहीं देती, सारा संसार जैसे नीले फूलों का वो वन है और सभी के कान बहरे हो गए हैं। गुलेरी की कोख नहीं हरियाई थी, 7 वर्ष हो गए थे। माँ कहती थी, अब मैं 8वां वर्ष नहीं लगने दूंगी। माँ ने 500 रुपया देकर भीतर ही भीतर मानक के दूसरे ब्याह की बात पक्की कर ली थी। वो उस समय के इंतजार में थी कि जब गुलेरी मायके जाएगी, वो नई बहू का डोला घर ले आएगी। इसके बाद मानक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल का मांस सो गया था। गुलेरी का प्यार उसके दिल में चुटकी भर रहा था, उसके दिल को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। नई बहू की कोख से पैदा होने वाले बच्चे की हंसी उसके दिल को गुदगुदा रही थी, पर उसके दिल को कुछ नहीं हो रहा था, जाने उसके दिल का मांस सो गया था। 7वें दिन मानक के घर उसकी नई बहू बैठी हुई थी। मानक के सभी अंग जाग रहे थे, एक उसके दिल का मांस सोया हुआ था। दिल के सोए हुए मांस को उसके जाग रहे अंग सभी स्थानों पर ले गए थे, नई ससुराल में भी और नई बहू के बिछौने पर भी। मानक मुंह अंधेरे अपने खेत में बैठा हुआ था जब मानक का एक पुराना मित्र वहां से गुजरा। इतने बड़े सवेरे कहाँ चला है भवानी? भवानी एक मिनट चौंक कर ठहर गया। चाहे उसने अपने कंधे पर एक छोटी सी गठरी उठाई हुई थी, फिर भी धीरे से कहने लगा, कहीं नहीं, कहीं तो चला है, आ बैठ, मानक ने आवाज दी। भवानी बैठ गया, कहने लगा, चंबे चला हूं, आज वहां मेला है। मेले के शब्द ने मानक के दिल में जाने कैसी सुई चुभो दी। मानक को महसूस हुआ उसके भीतर कहीं पीड़ा हुई थी। आज मेला है, मानक के मुंह से निकला। हर वर्ष आज के दिन ही होता है, भवानी ने कहा। फिर मानक की ओर ऐसे देखा जैसे वो ये भी कह रहा हो, तू भूल गया है इस मेले को? 7 वर्ष हुए जब तू मेले में गया था, मैं भी तो था तेरे साथ, तूने तो इसी मेले में मोहब्बत की थी। भवानी ने कहा कुछ नहीं, पर मानक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने सब कुछ सुन लिया था। उसको भवानी पर गुस्सा आ रहा था, वह सब कुछ क्यों सुन रहा है। भवानी मानक को छोड़कर उठ खड़ा हुआ, उसकी पीठ पर लटक रही गठरी में से उसकी बांसुरी का सिरा बाहर निकला हुआ था। भवानी चलता जा रहा था, मानक उसकी पीठ की ओर देखता रहा, पीठ पर रखी हुई छोटी सी गठरी को देखता रहा, गठरी में से निकले हुए बांसुरी के सिरे को देखता रहा। भवानी और भवानी की बांसुरी मेले जा रहे हैं, मानक को अपनी बांसुरी याद हो आई। जब उसने मायके जा रही गुलेरी को अपनी बांसुरी देते हुए कहा था, इसे तू साथ ले जाना, फिर मानक को ख्याल आया, और मैं?
मानक का मन आया कि वह भी भवानी के पीछे पीछे दौड़ पड़े। वह अपनी उस बांसुरी के पीछे दौड़ पड़े जो उससे पहले मेले में चली गई थी। मानक भवानी के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। फिर मानक की टांगें कांपने लग पड़ी। वो वहीं का वहीं बैठ गया। मानक को सारा दिन और सारी रात मेले जा रहे भवानी की पीठ दिखाई देती रही। दूसरे दिन तीसरे पहर का समय था जब मानक अपने खेत में बैठा हुआ था। उसको मेले में से आते हुए भवानी का मुंह दिखाई दिया। मानक ने मुंह एक ओर कर लिया। उसने सोचा कि मुझको न तो भवानी का मुंह दिखाई दे और न भवानी की पीठ। इस भवानी को देखकर उस मेले की याद आ जाती थी और ये मेला उसके सोए हुए दिल के मांस को जगा देता था। और जब वह मांस जग पड़ता था उसमें बहुत पीड़ा होती थी। मानक ने मुंह फेर लिया पर भवानी चक्कर काट कर भी मानक के सामने आ बैठा। भवानी का मुंह ऐसा था जैसे किसी ने जल रहे कोयले पर अभी अभी पानी डाला हो और उसके ताप का रंग अब लाल न होकर काला हो। मानक ने डर कर भवानी की मुंह की ओर देखा। गुलेरी मर गई। गुलेरी मर गई? उसने तुम्हारी विवाह की बात सुनी और मिट्टी का तेल अपने ऊपर डालकर जल मरी। मिट्टी का तेल? इसके बाद मानक बोला नहीं। पहले भवानी डरा, फिर मानक के माँ बाप डर गए और फिर मानक की नई बहू डर गई कि मानक को पता नहीं क्या हो गया था। वो न किसी के साथ बोलता था और न किसी को पहचानता दिखता था। कई दिन बीत गए। मानक समय पर रोटी खाता, खेती का काम भी करता और सभी के मुंह की ओर ऐसे देखता जैसे वह किसी को भी न पहचानता हो। मैं उसकी औरत काहे की हूं, मैं तो सिर्फ इसके फेरों की चोर हूं, नई बहू दिन रात रोने लगी। ये फेरों की चोरी अगले महीने मानक की नई बहू और मानक की माँ की आशा बन गई। बहू के दिन चढ़ गए थे। माँ ने मानक को अकेले में बैठा कर ये बात सुनाई पर मानक ने माँ के मुंह की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात उसके समझ में ना आई हो। मानक को चाहे कुछ समझ में नहीं आया था पर वो बात बहुत बड़ी थी। माँ ने नई बहू को हौसला दिया कि तू हिम्मत से ये बेला काट ले। जिस दिन मैं तुम्हारा बच्चा मानक की झोली में रखूंगी तो मानक की सभी सुधियां पलट आएंगी। फिर वे बेला भी कट गई। मानक के घर बेटा पैदा हुआ था। माँ ने बालक को नहलाया धुलाया, कोमल रेशमी कपड़े में लपेटकर मानक की झोली में डाल दिया। मानक झोली में पड़े हुए बच्चे को देखता रहा, फिर जैसे चीख उठा, इसको दूर करो इसको, मुझे इससे मिट्टी के तेल की बू आती है, मुझे इससे मिट्टी के तेल की बू आती है, इसको दूर करो इसको। आज आपने कहानी सुनी अमृता प्रीतम की लिखी हुई बू। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप कोई कालजयी रचना सुनना चाहते हैं साहित्य तक पर तो हमें ज़रूर खबर दें। धन्यवाद।